स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रॉम्बस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इनटू d1 इनटू d2, वेयर d1 इज इट्स फर्स्ट डायगोनल एंड d2 इज इट्स सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इसे प्रूफ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत हम लोग रॉम्बस के बारे में अगर बात करें तो रॉम्बस क्या है, तो रॉम्बस एक पैरेललोग्राम है। रॉम्बस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, स्क्वायर से ये कैसे डिफरेंट है? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, बट यहां पर यह रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर ये रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं, इसलिए तो हम लोग ये कहते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रॉम्बस बट ऑल रॉम्बस नॉट बी स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे क्या होते हैं? रॉम्बस होते हैं, लेकिन सारे रॉम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। बस वैसे रॉम्बस स्क्वायर होंगे जिसका ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और कहां से स्टार्ट करेंगे, तो गिवन से। ठीक है, गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो गिवन हमारे पास है ABCD is a rhombus। ठीक है, हमारे पास ABCD एक rhombus दिया गया है whose diagonal मैं लिख देता हूं। ठीक है, whose diagonal AC and BD intersect एट, जिसका दोनों ये जो डायगोनल है वो किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर्टी भी जानने की आवश्यकता है कि जो ये दोनों डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये बाइसेक्ट तो खैर करता ही है, और परपेंडिकुलर वे में, मतलब कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि OD इज इक्वल टू OB तो है ही, लेकिन और OC इज इक्वल टू OA तो है ही, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है वो चीज मेंशन करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या है? AC और BD है, तो 1/2 इंटू AC इंटू BD। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं कि सिंस डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर bisects each other at right angle। ठीक है, right angle, तो हम यहां से लिख सकते हैं therefore OD is perpendicular on AC and OB is perpendicular on AC। देखिए, दोनों अगर एक दूसरे को perpendicularly bisect कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि OD और OB ये दोनों तो equal है। ठीक है, bisect कर रहा है और जाहिर, सॉरी, हाँ ठीक है, ये तो मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, मतलब कि अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि AC का ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और AC का OB क्या है? परपेंडिकुलर। तो वही मैंने मेंशन करा, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो दोनों डायगोनल होता है वो डिफरेंट लेंथ का होता है, लेकिन स्क्वायर का जो डायगोनल होता है बोथ आर इक्वल होता है। जो स्क्वायर में दोनों डायगोनल होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और वहां पर भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करता है और परपेंडिकुलर भी रहता है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है। अब हम ये लिख सकते हैं एरिया, यहां से हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD। अगर ABCD अगर निकालना रहे तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अगर दोनों का हम अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दें तो ABCD का एरिया तो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, और एरिया ऑफ ए बी सी में हम क्या करेंगे, हम इसका बेस मान लेते हैं ए सी, क्योंकि देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमको हाइट और बेस पता हो। तो अगर हम ए सी को बेस मानते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हाइट है ना, तो हम ए सी इंटू हाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ए बी को अगर बेस माने, अगर आप ए बी को बेस मान रहे हैं तो फिर आपके पास हाइट नहीं है। हाइट या फिर अल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग हाइट या अल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेस अगर ए सी माने तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हाइट है, तो हम ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है ओ बी, ठीक है, प्लस। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 1/2 बेस तो इसका भी ए सी ही है, लेकिन हाइट हमारा इसका डिफरेंट है, हाइट क्या है ओ डी है, ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को भी नहीं ना। तो अब देखिए 1/2 और ए सी दोनों में से कॉमन करें तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा वो ओ बी प्लस ओ डी बचेगा, और अगर हम 1/2 ए सी को क्या करें ओ बी और ओ डी को अगर हम ये दोनों को ऐड करें ओ बी या प्लस ओ डी तो ये कितना बन जाएगा बी डी, मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, ठीक है। और ये क्या है, यही तो हमारा एरिया ऑफ रॉम्बस है, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो हम यहां से ये लिखेंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो ये आप लिख दीजिए, या फिर ए सी को हम डी वन अगर मान ले और इसको डी टू मान ले तो ये भी तो इसी का फॉर्मूला है ना, या फिर आप इसी को लिख दीजिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।